नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत टेक टॉक्स में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज मैं आज आपको Google सर्च बार की जो विजेट जो आपने अपने फ़ोन की होम स्क्रीन में लगाया होता है ना मोस्टली, उसकी लुक एंड फील का कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिकॉज मोस्टली क्या होता है हमारे फ़ोन्स में, ये Google सर्च बार का जो ऑप्शन होता है ना मोस्टली हमारे फ़ोन्स में ये बोरिंग से वाइट कलर का होता है। तो आइए इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन केस आपके फ़ोन में ये गूगल सर्च बार का विजेट नहीं है तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको फ़ोन की स्क्रीन को टैप एंड होल्ड करें, नीचे दिए गए ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन पे जाएं विजेट्स में, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसे कुछ पेजेस खुल जाएंगे। इसमें अब आपको ढूंढना है गूगल जहाँ पर लिखा आ रहा है। अब जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शंस खुल गई। अब इनमें से मेरे को सिलेक्ट करना है कि मेरे को गूगल सर्च बार का किस तरह का ऑप्शन चाहिए। तो मान लीजिए इसको मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अब आपको क्लिक करना है ऐड पे। तो जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा ना दोस्तों, ये मेरे होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये मेरे फ़ोन में आ रहा रेड कलर का, बिकॉज मैंने पहले इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर रखी हैं। अब कैसे इसको करना है आइए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद आप जी ऑप्शन जो आ रहा है ना, जहाँ पे जी लिखा है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप जी पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि नीचे दिए गए जो बार है इसमें से आपको मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन कस्टमाइज विजेट। अब यहीं से सारा जादू शुरू होगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा ना जिस पे जी लिखा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो तरह की ऑप्शन है हमारे पास। मेरे को सर्च बार में अगर अकेला जी चाहिए तो मैं ऐसे रख लूँगा, अगर मेरे को गूगल लिखा चाहिए, देखिए ऐसे आ गया ना, तो मैं इसको गूगल पे क्लिक कर लूँगा। सो मान लीजिए मैं गूगल चाहता हूँ सर्च बार में लिखा है, तो आई सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अब सेकेंड जो ऑप्शन मेरे पास है इसमें क्या है, अब ये जो गूगल सर्च बार की जो बार आ रही है रेक्टेंगुलर आ रही है, इसकी शेप आप इससे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को सर्कुलर पसंद है तो मैं इसकी सर्कुलर शेप रख लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर अपनी मर्जी से। मान लीजिए ये देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसका कलर चेंज हो रहा है। सो यू कैन सेलेक्ट द कलर अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें मान लीजिए मेरे को ये कलर पसंद है भाई, तो मैंने ये वाला कलर पसंद कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास आ रही है लास्ट वन, वो देखिए इसमें मैं इसकी ये देखिए इसको कलर को मैं डार्क ग्रीन कलर चूज़ किया था, इसको मैं डार्क और लाइट भी कर सकता हूँ। तो ये आप पे, तो सपोज़ करिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब यहाँ से आपने इसको क्लोज़ करना है, यहाँ से इसको फिर क्लोज़ करें। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास, इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं इसको अगर सॉलिड की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो गूगल सर्च बार जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, राइट। और इसको अगर मैं लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल कर दूँगा तो जो सर्च बार है देखिए वो ट्रांसपेरेंट हो रही है। राइट की तरफ करूँगा तो बिल्कुल सॉलिड, लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो ट्रांसपेरेंट। तो इससे आपकी ये लुक भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। तो अब ये सारा करने के बाद ऊपर राइट पे आपको डन पे क्लिक करना है। अब बाहर आ जाएं, जैसे देखिए अब ये जैसे आपने इसको किया था आपके गूगल सर्च बार ग्रीन कलर की होगी, शेप भी सर्कुलर हो गया ना, एकदम मस्त बढ़िया सी होगी ना। सो गाइस इस तरह आप अपने गूगल सर्च बार के विजेट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सर्च बार में सिंपली जो गूगल लिखा है या जी लिखा उस पर क्लिक करें, इस पेज पर जाके मोर पर क्लिक करें, कस्टमाइज विजेट पर क्लिक करें, नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो आप चूज़ करना चाहते हैं ऑप्शन को चूज़ करें, कलर को सिलेक्ट करें अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद है, राइट। एंड लास्ट जो ऑप्शन आपके पास आती है इसकी ट्रांसपेरेंसी को, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर क्लोज़ पे क्लिक कर दें और ऊपर डन पे क्लिक कर दें और होम स्क्रीन पे आ जाएं तो आपकी गूगल की जो सर्च ऑप्शन बार की विजेट है आपके हिसाब से हो जाएगा, है ना मज़ेदार। सो दोस्तों ये था मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का कि आप कैसे अपने गूगल सर्च बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन की लुक्स के अकॉर्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भारत टेक टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।